नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास रेल ट्रैक में प्रवासी मजदूरों की, जो कि मध्य प्रदेश के सहडोल और डिंडोरी के रहने वाले थे, उनकी रेल हादसे में मौत हो गई। इस पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि औरंगाबाद में हुई हृदय विदारक घटना में सभी मृतकों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। वहीं उन्होंने इस हादसे को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार यह दावे कर रही है कि हम मजदूरों को बिना टिकट के लेकर आ रहे हैं, लेकिन जब मजदूरों को निःशुल्क लाया जा रहा है तो फिर मजदूर पैदल ही अपने गंतव्य की ओर क्यों जा रहे हैं। इन मजदूरों को रेल से घर जाने का टिकट तो नहीं मिला, लेकिन रेल से ऊपर जाने का टिकट जरूर मिल गया। औरंगाबाद में पटरी के किनारे जिस तरह से कुचला है मध्य प्रदेश के सहडोल और डिंडोरी के श्रमिकों को, सबसे पहले उनको मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और जो घोषणाएं केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार भाजपा की लगातार कर रही है कि रेल में टिकट देकर हम लेकर आएंगे, शुल्क लेकर आएंगे, ये घोषणा भी जबकि उन्होंने जब कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में जो भी मजदूर जहाँ चलेगा उसको रेल किराया हम देंगे, तब ने घोषणाएं की, लेकिन ये घोषणाएं ही रह गई। रेल का टिकट तो नहीं मिला, लेकिन रेल से दुनिया से बाहर जाने का, ऊपर जाने का टिकट जरूर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दे दिया। ये पटरी के किनारे पीछे आते हैं, रात में सो गए होंगे, रेलगाड़ी धीरे चलना था, देखना था कि लोग पैदल चल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से पैदल चल रहे हैं, बच्चे चल रहे हैं, गर्भवती महिलाएं चल रहे हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आती इन सरकारों को, केवल घोषणाएं करते हैं, मजदूर को लाने की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे। और एक एक करोड़ रुपये मुआवजा, कोरोना योद्धा हैं ये, एक एक करोड़ रुपये इनको सरकार को देना चाहिए। निश्चित तौर पर ये गलती ये सरकार ने, जिन्होंने घोषणा की है कि हम इनको रेल से लाएंगे, इनके टिकट निःशुल्क होगी, जिनने कहा था कि हर मजदूर को हम लेके आएंगे, ये केवल घोषणाएं की है। इसलिए मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार और दिल्ली के केंद्र की बीजेपी सरकार की ये पूरी गलती है। और जो बचे हुए हैं उन लोगों को ससम्मान यहाँ पर लाएँ और कोरोना योद्धा की तरह सम्मान से उनकी अंत्येष्टि हो और उनके परिवारों को एक एक करोड़ रुपए दिए जाए। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।